क्या तुमने झूठ बोला? अबे इसमें इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है? मैं कब सच बोलता हूँ? आज तो बाहर खड़ा खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैंने सोचा अच्छा मौका है, तीनों लड़कियों को एक झटके में इंप्रेस कर दूंगा। मैं अंदर आया, मैंने पश्चिम रेलवे का नंबर मिलाया, सामने से रिप्लाई आया कि आप प्रतीक्षा कीजिए, आप कतार में है। तो मैं धनाधन फेंकता रहा और क्या। क्या करेंगे, वो लड़कियां तो दलेर मेहंदी से मिलने के लिए नए नए कपड़े खरीदने गई है। हाँ यार, अब क्या करेंगे। आइडिया, तेरा दोस्त है ना वो टीटू, उसको फोन करके बुला ले। एक्चुअली क्या है ना कि सारे सरदार मोर और लेस एक जैसे ही लगते हैं। हाँ हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। फोन फोन कर, फोन 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 फोन। टीटू, हेलो अंकल जी, अबे कुणाल बोल रहा हूँ, टीटू है घर में? अबे फट्टे चुकदा ना भाई, कौन है वो बदतमीज जिसने मेरे बेटे की आदत खराब कर दी? क्या हुआ? कुछ नहीं, टीटू लंदन गया। अरे यार, इसको भी लंदन जाने का यही वक्त मिला था क्या? अंकल, क्या हुआ, तुम लोग इतनी जल्दी लौट आए? अरे 7 बजने में देरी कहाँ है। अब जी ये देख, ये मैं खास दिलेर के लिए लाई हूँ। अच्छा अच्छा, और ये मैं खास मेरे लिए लाई हूँ। बहुत अच्छा है। वैसे भी ना बचपन से टिल्लू को ऐसे झटाक मटाक वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं ना कुणाल? मुझे क्या मालूम अमित। हाँ, मुझे लगता है हमें भी अपने लिए कुछ झटक मटक कपड़े खरीद लेने चाहिए 7 बजने से पहले। हाँ, चलते चलते। दिलेर आ रहा है। वो कैसे आएगा? मतलब एक्चुअली मैंने उसे फोन करके बता दिया था कि मैं उसे पर्सनली लेने जाऊंगा, है ना। चल चल चलते, चल चल चल, बाय गाइस, सी यू, टाटा। अरे निकी, अगर वो दिलेर मेहंदी पहले आ गया तो हम लोग उसे पहचानेंगे कैसे? Thanking you girls from the bottom of my heart. तुम लोगों ने मुझे invite किया, वरना मुझे 100 रुपए की टिकट लेकर दिलेर मेहंदी को देखने जाना पड़ता। वाकई दिलेर मेहंदी हमारे घर आ रहा है। दिलेर मेहंदी, I can't believe this. I'm so excited. Oh, Nikki, I am also very excited. यार कमाल हो गई। वो यार 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमें फोन करके प्रेस वालों को बुला लेना चाहिए? वो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है इस घर में। Okay. प्रेस वाले को फोन मैं करूंगी। वेरी गुड, मूव ऑफ, मूव। टिक्की, हाउ एक्साइटिंग, मजा आ गया। लाला जनरल स्टोर्स बाजू से रामू प्रेस वाले को बुलाओ। फादर फोन नीचे रख। क्यों? खन्ना अंकल न्यूज़पेपर वाले की बात कर रहे थे, धोबी की नहीं। प्रेस वालों को बुलाने की क्या जरूरत है? ओ यार निकी, कहते हैं भगवान हर इंसान को जिंदगी में चांस देता है एक सपना पूरा करने के लिए, तो यही तेरा गोल्डन चांस है यार। हम अखबार वालों के कान में डाल देंगे निकी का और दिलेर का आपस में, और वो सीक्रेटली तुझे यहाँ मिलने के लिए आता है। वेरी गुड आइडिया। मैं जाके अभी नैना को फोन करती हूँ कि अपने सारे प्रेस वाले दोस्तों को लेकर यहाँ आए और इस इवेंट को कवर करे। मेरा दिमाग खराब हो गया। वो तो पहले से ही नहीं, सोच निकी सोच, कल न्यूज़पेपर में तेरी तस्वीर आएगी दिलेर मेहंदी के साथ, तो इंडिया की मोनिका लुविंस की बन जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल सकती। ओ यार तू नहीं, ये झूठ बोलेगी। गॉसिप कहाँ सच होती है ना। लेकिन राखी खन्नू यार, वो 10 मिनट में आने वाला है और मैं नैना को लेके 20 मिनट में आ जाऊंगी। अरे फैंटास्टिक यार, तू कमाल की लड़की है, तेरा क्या प्रेम चलता है। और कल सारे शहर में एक ही बात होगी, दिलेर निकी, निकी दिलेर, दिलेर निकी, निकी दिलेर। यार सुन, मेरा मूड बना के आता हूँ और मैं नैना को लेके आती हूँ।